अब शादी वाले दिनों में घर में किसे खबर रहती है कौन कहाँ है, किसने क्या खाया पिया, इसी का फायदा उठा के हम सारे भाई निकल के बाहर घूमने। तो ये देखो गाइस, रात के अप्रोक्स 11 बजने वाले हैं और हम शादी का घर आप तो समझ ही सकते होंगे, पूरा सुनसान हो रखा है, पूरा सुनसान। और हम यहाँ पे आए कुछ पेट पूजा फालूदा। अब आप लोगों के दिमाग में सबसे पहले बात यही आ रही होगी कि यार अभी तो 11 ही बजे हैं, इतना हाइप क्यों बन रहा है। तो यार ये है बिहार और यहाँ पे 11 बजे सारी दुकानें बंद हो जाती है। लो अब लग गई बात लौंडो को ईगो पे। ये रात की 12:40 में ही निकल गए, अब किस चीज की तलाश में, मैं बताऊं, चाय। अब इतनी रात को चाय कहाँ मिले, हम इसी खोज में काफी दूर गए रेसिंग वगैरह की, क्योंकि रोड पूरी खाली थी। लेकिन जो हमारा मेन मिशन था चाय, ये मिला नहीं। ये पता है आप लोग भी सोच रहे होंगे ये तो घर पे बना के आराम से पी सकते हैं, लेकिन वो अंदर से जो चुल थी कि बाहर जाके पिए, यार इसका कोई तोड़ नहीं। YouTube के बारे में तो गाइज, इतना पैसा कमाओ कि जूते से कलर मैच करके अपनी गाड़ियां बदलो, बेशक वो रेंट की ही क्यों ना हो। मटकोर मतलब सारे फंक्शन विवाह भवन से ही होने वाले हैं। फिर क्या, हम अपना बोरिया बिस्तर उठा के पहुंच गए यहाँ पे। सब बिजी थे अपने विधि व्यवस्था में और हम इस चीज में बिजी थे कि कोई हमें कोई और काम सौंप ना दे, इसलिए सब छिप छिपा के भाग रहे थे। खत्म होते ही सभी लोगों ने यहाँ पे अपना योगदान दिया प्रसाद बनाने में, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा थे, इसलिए बहुत ज्यादा हमें प्रसाद बनानी थी कम समय में, इसीलिए यहाँ पे सभी हाथ लगाने शुरू कर दिए और प्रसाद बहुत ही जल्दी बन के बट गई। हमारे यहाँ शादी के दिन तो बड़े वाली पार्टी होती है, लेकिन उससे एक दिन पहले मतलब पूजा मटकोर के दिन भी खिलाया जाता है लोगों को। अरे उधर भी तो देखो, उधर देखो ना, ये देखो ना गाइस। उधर देखो ना, मत कर, कह रहा हूँ मत कर।
मसूरों की क्या छोड़ दो।